इतना सारा लहसुन कर लिया। हाँ छोटू ने मासूम लूटा, इतना सारा लहसुन निकाल लिया। अभी बोल रही है मेरा 5-6 दिन का काम हो गया, 8 दिन चलेगा ये तो। बस गेहूं काट रहे होंगे तो अभी हम चल रहे हैं अपने मामा के पास, वो सुबह के निकले हैं 5 बजे के, और 5 बजे से वो काम क्या कर रहे हैं कि गेहूं को इकट्ठा कर रहे हैं, और वो गेहूं को इकट्ठा करने के बाद फिर उसको कुटवाएंगे, मशीन से निकलवाएंगे, उसके बाद घर पे लेकर। इधर अभी गेहूं की कटिंग चल रही है और गेहूं सूख गया है, बांधने में दिक्कत ना आ रही, पूरन ने पूरा बांध रहे हैं अभी जा टाइम पे। अरे यहाँ का कटिंग अलग है दोस्तों, देख सकते हो ये पूरा खुला हुआ गेहूं रखा है यहाँ पूरा, हमारे यहाँ पे क्या है बांध के रखते हैं, ये पूरा खुला हुआ है, अभी इसको एक साथ रख देंगे उसके बाद मशीन से निकलवा देंगे। देखो दोस्तों अभी विवेक को गेहूं काटने का शौक लग गया, विवेक गेहूं कटिंग कर रहा है। बेटा गेहूं ऐसा ना कटिंग करते, बैठ के और बिल्कुल जरमे से कटिंग करते हैं गेहूं ने। अभी देख सकते हो किसान का काम कितना मेहनत का होता है, और इस समय टाइम हो रहा है 9 बज रहा है और धूप में गेहूं कटिंग कर रहे हैं, पूरा मुंह को बांध के करना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है गेहूं के अंदर से। और ये काटने का तरीका है जो देख सकते हो, पूरा खुला हुआ रखा है, जब इसको एक साथ कर देंगे मशीन से निकलवा देंगे, झंझट खत्म, बांधने का कोई टेंशन नहीं है। तो हम जा रहे थे मामा के पास और उनका काम ख़त्म हो गया, वो वापस जा रहे हैं घर पे। अभी ये तो वापस आ गए, अब उधर जाके क्या करेंगे, ये देखो जोकड़, ये भाई है, ये केरा, ये हमारी गुड़िया, और मामा पीछे आ रहे हैं। हाँ हम आ रहे हैं और तुम भगे, काम क्या है हो गया। ये हमारे मामा जी से मिल लो, राम राम कर लो मामा जी सबसे, राम 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 राम। ये हमारे मामा जी हैं दोस्तों। अभी हम चलते हैं, हमने यहाँ पे भी रील बनाई एक दो, वो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। तो काफ़ी आनंद आ रहा है खेतों में घूमते हुए, तो अभी काफ़ी धूप भी लग रही है, तो पहले तो हम घर पे चलते हैं, पहले थोड़ा छाया में बैठेंगे। गाइस पालक का बीज देखा है आपने, ये देखिए ये पालक है, अभी इसको पका रहे हैं तो ये पालक का बीज बन रहा है, फिर दोबारा से जब पक जाएगा तो दोबारा से पालक की खेती इसी से हो जाएगी। और आगे चलते हैं, आगे हमारे मामा जी अपनी भैंस के लिए वो काट रहे हैं चारा, तो पूरा एक पोल्ट्री हो गया इधर। मामा जी हमें सौंपी सौंप है कि वो धन वो होते जीरो सौंपी सौंप है, मुझे नाना की सुत्ते आएगी यहाँ के नानी नाना ने की, यानी कि पहले आते तो नानी मिलती। गाइस ये देखो कितना बढ़िया नज़ारा है, कितनी सारी तितलियाँ देखने को मिल रही हैं इधर, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ मैं भी, आप भी देख लीजिए। ये देखो हम जब भी आते थे हमको नानी इधर मिलती थी, इधर यहीं पर रहती थी, खटिया रखी है। अभी तो पूरा बिजली का सामान है इधर, ट्यूबवेल वगैरह लगा हुआ है, ये देखो बटन दबाओ पानी चालू। तो अभी सोनी यहीं पे आराम कर रही है, ये वाला है मिट्टी खोदने के लिए और ये वाला है भूसा भरने के लिए, ऐसे करके भूसा भरते हैं ये वाले से। हाँ भूसा, गाइस हमारे मामा जी से मिलिए, पहले राम राम करो मामा जी सबसे, राम 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 राम। तो ये हाथ ऊपर उठ दो और नीचे करेंगे जाए, ये हाथ देखो दोस्तों कैसी, ये देखो खोल के दिखाइए मामा, ओ ये वाला हाथ का डिजाइन देखो, ऐसे करके ऐसे और फिर ऐसे। मामा ये टूटो कहते हो बताओ, ये टूट गया काम कर रहे तीन बार, और ये हड्डी ना थे बीच में बिल्कुल जाम है, हड्डी टूट गई है दोनों, जुड़ी नहीं अलग हो गई, तो अलग है ना जी। तो जब जैसे हाथ अल्लाह देख सकते हो दोस्तों, देखो ये देखो छोड़ियो, ये देखो बिल्कुल बीच में से हड्डी तो है ही नहीं, ये नसों और मांस पे चल रहा है, लेकिन फिर भी ताकत है हाथ में, ताकत है, काम भी करता है, काम भी करते हैं, काम भी समर्सिबल का है, गरीब है, योगी बाबा बहुत कर रहे हैं सबके लिए, यूपी में तो बहुत कर रहे हैं। सरपत्ते की कटिंग हो गई, अब इससे छप्पड़ बनाएगी है मामा। हाँ मेरे को बहुत जरूरत है, लेकिन मेरे यहाँ से दूर पड़ेगा नहीं, मैं ले जाता इसको घर पे। अभी हम शाम के टाइम चलेंगे अपने भाई के घर पे, और इनका सरप्राइज है, वहाँ पे आपको ले जाएंगे और घुमाएंगे चूड़ी बाजार में, यानी वो कल जाएंगे हम, तो आपको पूरा चूड़ी बाजार दिखाएंगे फिरोजाबाद का। नहाते हैं अभी, हम नहाते हैं, इधर हमारा ट्यूबवेल चालू हो गया, ये देखो अभी नहाएंगे, पूरा पानी चल रहा है, बचपन की याद ताज़ा हो जाएगी, मैं बचपन में भी इधर बहुत नहाता था। गाइस
रहा है, गांव का आनंद आ जा रहा है। और मेरे को बचपन की याद आ गई, बचपन में भी मैं ऐसे ही नहाता था इसके अंदर बैठ के, तो आज मेरी बचपन की याद ताजा हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है। ओ ट्यूबवेल पे नहा के आनंद आ गया हौदी के अंदर एकदम, स्विमिंग पूल का मजा, स्विमिंग पूल में जो आनंद नहीं आएगा जो आया खेतों पे एकदम नहा के, बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा। विवेक बोल रहा था मैं नहाऊंगा जब तक बंद कर दिया, विवेक के मन में ही रह गई, लाइट चली गई। खेत पे घूम घूम के काफी बढ़िया नींद आ रही है, तो अभी नींद में है सभी। दोस्तों आपको पुरानी नींव दिखाता हूँ, देखो ये हमारे नाना के ज़माने की दीवार है और ये कच्ची दीवार है, तो देख सकते हो कितनी मोटी दीवार है, कितनी चौड़ाई में है, ऐसे देखो मेरा पूरा हाथ आ गया, यानी करीब 20-22 इंची मोटी दीवार है कच्ची वाली। और आजकल की जो दीवार है आपको पता है 9 इंची में लगी, ये पूरे कच्ची वाली दीवार है जो तोड़ के इधर मकान बना रहे हैं, और ये कच्ची दीवार इधर भी खड़ी हुई है अभी, ये पूरा पहले कच्चा था अभी इसको बनाया, ये वाली जो दीवार आपको दिख रही है इनको तोड़ तोड़ के। और इधर देखो ये मामा जी हमारे क्या करने लग गए, भूसा उड़ा रहे हैं, कूप पूरा उधेड़ दिया, अब दोबारा से बनाएंगे मामा कूप है। ओ तेरी गए, बहुत अच्छी बात है जो रिचार्ज करवाया वीडियो देखने को, अभी इधर पहले कूप था, अभी भूसा जो नीचे का है देखो काला काला हो गया है, अभी यहाँ पे दूसरा नया कूप बनाएंगे जिसमें नया भूसा भरा जाएगा, अभी जो गेहूँ कतर के आएंगे घर पे तो उसका जो भूसा निकलेगा सब यहीं पे स्टोर करेंगे दोबारा से बना के। तिंको दे आता हूँ दादे पचांग रो, ये भूसा को समेटने के काम में आता है। गाइस करने का कुछ करने का मन हो तो देखो, हौसला देखो मेरे को, ये यहाँ पे दिखा मोबाइल स्टैंड जो बनाया है, किसी भाई ने बनाया होगा मेरे को पता नहीं है अभी वो किधर गए, लेकिन ये पूरा लकड़ी का है, इसके अंदर लगा के और ये वीडियो बनाते होंगे, और ऊपर नीचे करने का भी पूरा व्यवस्था बना दिया है, देखो अच्छा है टैलेंट। ये देखो गाइस अभी पूरा साफ करके और चारों तरफ गड्ढा खोद दिया, और अभी बन रहा है नया कूप, तो एक जैसा लगा लगा के और इसमें लगा देंगे मिट्टी, मुझे जरा के ला देंगे ज़्यादा जर हो जाए, थे क्या हो रहा है इधर देखो दोस्तों, हमारी माई से मिल लो, ये हमारी माई है, कचौड़ी बना रही है और कढ़ाई चल रही है अभी, खीर बन गई है और सोनी भी लगी है साथ में। देखिए पूरा कूप बन गया, अब इसमें वो बीच में एक बंदर डालना रह गया है जिससे टाइट हो जाए। गाइस कूप बन के तैयार हो गया, और ये देखिए हमारे मामा के सर पर कितना बढ़िया मेकअप हो रहा है। तो अभी हम चलेंगे फिरोजाबाद, तो अभी हमने बाइक निकाल ली अपनी और अभी चलते हैं, और जाके आपको कल दिखाएंगे चूड़ी बाजार, और चूड़ी बाजार की सैर करवाएंगे फिरोजाबाद में। अभी हम आ गए अपने भाई के घर पे, छोटे वाले भाई के घर पे, और हम काफी परेशान हो गए दोस्तों। यहाँ तक आते आते काफी रात हो गई, और इस समय टाइम हो गया 8 बज रहे हैं, और आपको क्या बताऊँ, बहुत आते आते वो रोड बहुत खराब था तो इसीलिए लेट हो गए, नहीं तो यहाँ का भी कुछ ब्लॉग बनाते, अब जितना बन गया उतना बन गया। और हमारे भाई भी गए हैं काम करने के लिए, सुबह सबसे मुलाकात कराएंगे, सबसे बात कराएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।